की, जहां यूपी के रामपुर में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जहां गांव कोयले का मजरा निवासी 48 वर्षीय सोमपाल लोक निर्माण विभाग रामपुर में मेट के पद पर तैनात थे। शनिवार रात वह बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। गांव सिमरिया स्वार खुर्द के बीच किसी वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के पश्चात आसपास लोगों समेत राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पाकर मृतक का पुत्र सुनील कुमार एवं उसके रिश्तेदार रोहताश मौर्य आदि मौके पर आ गए। इलाज के दौरान उनकी जिला अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के पुत्र की ओर से वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सड़क हादसे में हुई मौत का कारण सीओ कैमरे ने बताया कि किसी अज्ञात वाहन ने लोक निर्माण विभाग में तैनात कर्मचारी सोमपाल अपने घर जा रहे थे, पर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। वो बाइक पर टंगा हुआ था। वाहन की टक्कर के बाद सर के बल नीचे गिरने से उनकी मौत हुई है। सुनील कुमार। सुनील जी, जो अभी हादसा हुआ है, कौन थे आपके और पूरी बात बताइए, क्या हुआ? मेरे पापा थे और कल शाम मेरी फ़ोन पर बात हुई 10 मिनट पहले लगभग, तो उन्होंने बताया मैं ड्यूटी से चल रहा हूँ। हाँ, फिर 15 मिनट के बाद फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। क्या करते थे आपके पिताजी? मेरे पापा पीडब्ल्यूडी में सर्विस करते थे, मेट के पद पर तैनात थे। कितने साल हो गए सर्विस करते हुए? लगभग 30 साल हो गए होंगे। कौन से गाँव रहते हैं? मजरा कोयली, थाना भोट। घटना कहाँ पर हुई, कुछ पता? घटना हुई गंगापुर से आगे राइस मिल है वहाँ का। ये कल सायंकाल लगभग 7 बजे केमरी में पीडब्ल्यूडी में कार्यरत थे सोमपाल जी, और वो कोयली थाना भोट के निवासी थे। वो केमरी से आ रहे थे साइड से, तो किसी अज्ञात वाहन ने इनको ठोकर मार दिया। कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिली, तो चूंकि मैं केमरी क्षेत्र में भी था, तो लगभग 4 मिनट के अंतराल के 4-4.5 मिनट लगभग में हम लोग पहुँच गए वहाँ पर। वहाँ पर तत्काल इनको एम्बुलेंस में लाद करके इनको भेजा गया, पर बचा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जो मोटरसाइकिल थी उसमें हेलमेट टंगा हुआ पाया गया था, अर्थात हेलमेट लगाए नहीं थे। लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं, गोष्ठी और नुक्कड़ और कॉलेज, स्कूल, चौराहे, पार्क, हर जगह कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पिछले वर्ष में 396 की तुलना में पिछले वर्ष 396 दुर्घटनाएं हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में इस बार में मेरे ख्याल से 289 दुर्घटनाएं हुई हैं, और 11% जो दुर्घटनाओं में मृत की संख्या है उसमें 11% की कमी आई है। और ये कुल मिलाकर जागरूक लोगों की जागरूकता का परिणाम है, और आने वाले कल में भी और हम कमी लाएंगे, कोशिश यही रहेगा। जैसा कि शासन स्तर से और उच्च अधिकारियों का निर्देश है, उसी के अनुक्रम में हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। ठीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।